कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का फार्मूला बनाकर यह बताने की कोशिश की कि विपक्ष कितना मजबूत हो गया है और बीजेपी से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन राहुल की इस ब्रेकफास्ट मीटिंग से कई राजनीतिक पार्टियों के गायब रहने के बाद कई तरह के सवाल खड़े होने लगे, तो वहीं कांग्रेस के अस्तित्व पर भी अब सवाल उठता नजर आ रहा है। दरअसल विपक्षी पार्टियों की बड़ी नेता अभी ममता बनर्जी और शरद पवार हैं और प्रशांत किशोर भी ममता और शरद के साथ मिलकर काम करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस फिलहाल अलग ही दिखती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व सोनिया राहुल ही कर रहे हैं और मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस जिस तरह बिखर रही है उसका बड़ा नुकसान सोनिया गांधी को ही उठाना पड़ेगा। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अगर जल्द ही कांग्रेस मजबूती के साथ नहीं उभरती है तो आगामी समय में कांग्रेस की नैया डूबती ही नजर आएगी। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।